मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। वीसी में मुख्य रूप से 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चर्चा की गई, साथ ही लॉकडाउन और उसके बाद शिक्षा विभाग की तैयारियों और व्यवस्था के बारे में भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में शेष बोर्ड परीक्षाएं होना संभव नहीं है, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया है। आगामी निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। इसी के साथ वीसी में शिक्षा विभाग को नवनियुक्त एलडीसी कर्मचारी उपलब्ध करवाने, निजी स्कूलों में आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन में आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये तक करने वाले स्कूल व्याख्याता और हेड मास्टर से प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति के नियमों और सेकंड ग्रेड शिक्षकों को नियुक्ति देने जैसे तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की। साथ ही उच्च शिक्षा में भी कॉलेज परीक्षाओं और पाठ्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुद्दों की चर्चा वीसी के माध्यम से की और विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें एक तो सबसे प्रमुख मुद्दा ये रहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से कराएं, कैसे कराएं, इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। सबने अपने अपने सुझाव दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को अब निर्णय लेना है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ कराया जाना संभव नहीं है और 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का या बोर्ड के रिजल्ट का एक अपना महत्व होता है। इसलिए दोनों ही बातें आ रही हैं कि परीक्षाएं कैसे कराएं, किस प्रकार से कराएं, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब निर्णय लेना। प्रदेश में अब तक 3,491 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, इनमें